कुछ महीनों में फ्लॉप फिल्मों के जोरदार झटके लगे हैं। सलमान खान की ट्यूबलाइट फ्लॉप हो गई, जिसके कारण वितरकों और प्रदर्शकों को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद रणबीर कपूर की लंबे समय बाद आई फिल्म जग्गा जासूस भी बुरी तरह पिट गई और अब शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट सेजल ने भी बड़ी हानि पहुंचाई है। बॉक्स ऑफिस पर जब हैरी मेट सेजल ने इतना खराब प्रदर्शन किया कि वितरकों जिन्होंने इस फिल्म को कम कीमतों पर खरीदा उनका भी बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने शाहरुख खान को एक संदेश भेजा है और उन्हें सलमान खान की तरह वितरकों का पैसा वापस करने को कहा है। शाहरुख खान ने NH स्टूडियोज, सैटेलाइट म्यूजिक और डिजिटल अधिकारों को बेच अच्छा मुनाफा कमाया था, इसीलिए उन्होंने नुकसान की वापसी के लिए कहा है। इसके पहले शाहरुख ने अपने फिल्म दिलवाले के फ्लॉप होने के बाद भी वितरकों को उनका आधा पैसा करीब 25 करोड़ रुपए वापस किए थे। हालांकि शाहरुख ने पैसे वापस करने के लिए कोई समझौता नहीं किया है, लेकिन वितरक चाहते हैं कि उनका पैसा वापस हो। देखते हैं शाहरुख कितना सलमान के कदमों पर चल पाते हैं।